जिनका उपचुनाव होने जा रहा है 22 तारीख को चुनाव की तारीख तय हुई है। 17 तारीख को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी पैरोल की एप्लीकेशन लगाई थी कि मुझे 21 दिन की पैरोल दी जाए, और उन्होंने 17 तारीख को डीजी ने पैरोल उनकी सेंक्शन कर दी थी, और इस शर्त के साथ सेंक्शन करी थी कि भी चौटाला साहब तेजाखेड़ा फार्म पे रहेंगे और हफ्ते में एक दिन पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेंगे। चौटाला साहब को तो पैरोल दी जाती है तो उसके अंदर ये कंडीशन लगाई जाती है, और हरियाणा उसे दिल्ली तिहाड़ जेल के अन्य किसी कैदी को जो पैरोल मिलती है उस पर कोई कंडीशन नहीं होती। अजय सिंह उनसे पहले 14 दिन की पैरोल पे आया था, जिसने जींद के अंदर उपचुनाव में सारे गांवों का दौरा करके सारे गांवों में राजनीतिक तौर पे अपनी बात कह करके गया, और चौटाला साहब को पैरोल दे करके ये शर्त रखी पहले 17 तारीख और फिर दोबारा 19 तारीख एक और चिट्ठी जेल प्रशासन की तरफ से दी गई, उसके अंदर फिर ये शर्त लगा दी गई कि आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लो, आप कहीं कोई पॉलिटिकल जलसे में नहीं जाओगे। और उसके बाद एक और तीसरी चिट्ठी फिर जारी की गई, जिसमें होम मिनिस्टर की तरफ से जारी हुई, ये कहते हैं कि कोई साजिश नहीं है, कहाँ जाए मैडम, जगह कहाँ, कैमरे लगे हुए हैं। फिर एक तीसरी चिट्ठी जारी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टेट होम मिनिस्टर जो दिल्ली का है उसके ऑर्डर है, इसमें पकड़ के सीधा उसमें ऑर्डर है, बकायदा तौर पे उन्होंने ऑर्डर किया है अपनी तरफ से। और इसमें भी मैं एक बड़ा खुलासा आपके सामने करूंगा कि किस तरह से उन्होंने इस ऑर्डर को किस तरह से करवाया गया। इस ऑर्डर में ये लिख दिया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 28 तारीख को पैरोल दी जाए, 28 तक इनको रखा जाए, 28 के बाद पैरोल पे जाने दिया जाए। उसमें ये भी लिख दिया कि हमें कंप्लेंट मिली है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है वो कोई राजनीतिक इलेक्शन बाई इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में जाकर के हिस्सा लेंगे, इसलिए इस पैरोल को आगे एक्सटेंड कर दिया जाए। इसमें तारीख डाली हुई है 19/1/2019 फरलो जो है, इस फरलो के ऊपर ये तारीख डाली है, चिट्ठी पे तारीख है। और इनके पास जो जिसकी दरखास्त गई, जिसके जिसका हवाला देकर के इन्होंने किया, वो इन्होंने रिसीव करी है 21/1 को, यहाँ ऑर्डर 19 को किया है, और हवाला दिया ये ऑर्डर के अंदर कि हमें कंप्लेंट मिली है, वो कंप्लेंट रिसीव की जाती है उसी ऑफिस के अंदर 21 तारीख, मतलब 2 दिन पहले का ऑर्डर है, और 2 दिन बाद की जो कंप्लेंट है वो उनके पास पहुंचती है। कंप्लेंट भी किसी के नाम से नहीं है, ये भी उन्होंने मेरे ख्याल अपने खुद ही ऑफिस के अंदर टाइप करके, अरे कहीं ना कहीं अपने को सेव करने के लिए, बचाने के लिए कि कोई गलत ऑर्डर तुम्हारे से ना हो जाए, कल को ये मामला कोर्ट पे ना चला जाए, कोर्ट की तरफ से तुम्हें कोई पूछ ना लिया जाए, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी भी लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस के नाम से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जब चिट्ठी जाएगी तो मान के चलो वहाँ से फॉरवर्ड होकर के भी अगर दिल्ली प्रशासन के पास जाए, जेल प्रशासन के पास जाए, तो भी कम से कम 1 वीक का टाइम लगता है। ये किस तरह का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये केवल और केवल कल के दिन में ये सारी चीज की गई। कल ही केजरीवाल की पार्टी का और जेजेपी का आपस में समझौता हुआ, उन्होंने उनको समर्थन दिया, और समर्थन देने के साथ साथ जब ये लोगों ने यहाँ पे एक आम
इलेक्शन के अंदर एक बात चल पड़ी, एक चर्चा चल पड़ी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर यहाँ आ जाएंगे तो पूरे इलेक्शन का माहौल बदल जाएगा। जब उनको ये लगा कि चौटाला साहब अगर आ गए तो फिर तुम्हारा यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, तब उन्होंने ये साजिश उसी वक्त रचनी शुरू कर दी और उसी वक्त ये सारे ऑर्डर साथ के साथ करवाने शुरू किए गए। जहाँ ये ऑर्डर करवाए वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हमने सुना है कि कोई बीमार आदमी रात को इमरजेंसी में आ सकता है, किसी को तकलीफ बढ़ जाए जेल के अंदर तो उसको रातों रात हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। चौटाला साहब को तो कल सुबह डॉक्टरों की टीम आकर के देख करके गई और कल सुबह डॉक्टरों की टीम ने देखने के बाद ये कोई निर्णय नहीं लिया कि हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। रात को डॉक्टरों पे दबाव डाल के, क्योंकि दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके नीचे आता है, जेल डिपार्टमेंट भी उन्हीं के नीचे आता है, और उन्होंने जो जयप्रकाश मेमोरियल हॉस्पिटल जो है उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर पे और डॉक्टरों पे जिनके अंडर वो वहाँ पे एडमिट थे उन पे प्रेशर डाल करके रात को चौटाला साहब को डिस्चार्ज कराया गया। रात को डिस्चार्ज कराने की जरूरत क्यों पड़ी? केवल इसलिए रात को डिस्चार्ज कराया कि कल अगर एक दिन और लेट कर देंगे तो कहीं चौटाला साहब कोर्ट में ना चले जाएं और कोर्ट में जा करके कहीं अपने इलाज के लिए कोई दूसरी जगह जाने की दरखास्त ना दें। इसलिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रच करके रातों रात चौटाला साहब को इन्होंने हॉस्पिटल से भी निकलवाने का काम किया। और चौटाला साहब ने उसके बाद जब हॉस्पिटल से जा रहे थे तो प्रेस के लोगों को पता लग गया होगा कि कोई इस तरह के ऑर्डर हुए हैं, और प्रेस ने जा करके फिर उनसे पूछा कि आपको किस लिए यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। चौटाला साहब ने स्पष्ट बताया कि मैं बीमार था तभी मैं हॉस्पिटल में आके एडमिट हुआ था, अगर मैं स्वस्थ होता तो डॉक्टर मुझे यहाँ एडमिट क्यों करते, और अगर मैं अब स्वस्थ हूँ तो डॉक्टर ने मुझे सुबह डिस्चार्ज क्यों नहीं किया, मुझे रात को किस लिए निकाला जा रहा है, केवल मुझे राजनीति का शिकार बनाया गया है। JJP के लोगों ने मिलकर के केजरीवाल के साथ इस सारे षड्यंत्र को अंजाम देने का काम किया है। जहां चौटाला साहब को हॉस्पिटल से निकाला है और जो ऑर्डर उनके खिलाफ एक दिन में 3 ऑर्डर जिस तरह से उन्होंने किए हैं, मैं इन सब के लिए देश के गृह मंत्री से मिलूंगा और उनको एक चिट्ठी भी लिखूंगा कि सारे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं। यहां तक भी लगता है कि एक बीमार आदमी को अगर हॉस्पिटल से आप वापस जेल भेजते हो, इस उम्र में 85 साल वर्ष की उम्र के अंदर अगर उनको कल को हॉस्पिटल में जाने के बाद, जेल जाने के बाद अगर कल कोई और दिक्कत आ गई उनके सामने, उन्होंने स्वयं ये बात बताई है कि मुझे तो इस बात को लेकर के भी अंदेशा है कि कहीं ये मेरी जान के साथ भी खिलवाड़ ना करे, मुझे इस बात का खतरा है। जहां उनको इस बात का खतरा उन्होंने बताया सर, वहीं पे उन्होंने कल एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। यहां लगातार इस किस्म का प्रचार किया जा रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, जो रोज ये प्रचार करते थे कि हम रोज चौटाला साहब से टेलीफोन पे बात करते हैं, रोज चौटाला साहब से मिलते हैं, जिन्होंने ये प्रचार भी किया था कि हम तो जेल से जाकर के चौटाला साहब से आशीर्वाद लेकर के आए, कल चौटाला साहब ने बिल्कुल स्पष्ट ये कर दिया कि ये मेरे साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, इन्होंने जहां मेरे साथ गद्दारी करी है वही पार्टी की पीठ में भी छुरा घूमता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी की पीठ में छुरा घूमेगा वो पार्टी का गद्दार होगा। उन्होंने नाम लेकर के कहे दिग्विजय, दुष्यंत और केजरीवाल में तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम दिया है।
इन तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम देने का काम किया। वहीं लगातार इस बात को लेकर के ये लोग झूठ बोलते रहे कि हमारा उनके साथ उसी तरह का रिश्ता है जैसा एक परिवार के सदस्यों का होता है। जो काम इन्होंने किया है, जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने रचा है, मैंने आज तक कभी भी इनके खिलाफ एक शब्द कहीं पे भी नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि कोई हमारे परिवार के ऊपर कल्पो उंगली ना उठा सके, लेकिन जो घिनौना काम इन लोगों ने किया है, ये काम तो औरंगजेब ने, या तो औरंगजेब ने किया था और या फिर अब इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रच करके चौटाला साहब के खिलाफ किया है। हमारा आज तक तो इनके साथ पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन आज हम इस पारिवारिक रिश्ते को भी इनसे खत्म कर दें। जो आदमी अपने परिवार के बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं कर सके, तो 100% मान के चलो ऐसे लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहता। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, टेलीविजन में भी चल रही है, मिसेस अजय सिंह चौटाला जो है इस बात की दुहाई देकर के टीवी में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है कि हमारे परिवार में जो कुछ हो रहा है मुझे इसको लेकर के बड़ा दुख है। इस सारे के सारे कड़े की जड़ जो है वो मिसेज अजय सिंह चौटाला है। मिसेज अजय सिंह चौटाला ने ही इस सारे के सारे इशू को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर वो परिवार की बात करती है तो आप लोग उनसे सिर्फ एक बात पूछ लेना, मेरी मदर को पिछले 5 महीने से लगातार, महीने में मेरे ख्याल 15 से 20 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा है, और उस दौरान एक बार भी जा करके उनसे मिल करके उनका हाल चाल जान करके आई है क्या? एक बार कभी चौटाला साहब की तबीयत जब खराब हुई हॉस्पिटल आए तो इनमें से कोई जाकर के मिल करके आया क्या? अगर मिल करके आए हैं तो फिर उस बात का सबूत बताएं। इन लोगों ने हमारे से संबंध पिछले 5 महीने से खराब किए हुए थे, लेकिन हमारी सोच ये नहीं थी कि हम कहीं खड़े होकर के ये कहे कि हमारे परिवार में कहीं कोई इस तरह का विवाद है। इस सारी कड़े का, इन सब की जिम्मेवार अगर कोई है तो ये दोनों लड़के हैं और इनकी माँ है। इन तीनों ने मिलकर के जहाँ हमारे परिवार के अंदर इस तरह के हालात पैदा किए, वहीं लोगों के बीच में जाकर के झूठ बोल करके सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया, वहीं पार्टी को कमजोर करने के लिए पार्टी की पीठ में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में चूरा घोंपने का काम किया। ऐसे लोगों को जींद की जनता किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। और चौटाला साहब ने जो आह्वान किया है, जो चिट्ठी लिखी है, सब हम अपने हाथ से जेल जाने से पहले ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि अगर जींद की जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है तो इन गद्दारों से पीछा छुड़वाने के लिए एक एक वोट मेरे पार्टी के उम्मीदवार उमेद रेडू के पक्ष में डाल करके उसको यहां से जिता करके भेजे, ताकि जो लोग पार्टी के साथ बेईमानी करने वाले हैं, जो पार्टी के गद्दार हैं, उन लोगों की असलियत सारे प्रदेश के लोगों के सामने आ जाए। आपने बहुत बड़ी बात कही है, कितना भावुक लम्हा है, क्योंकि आपके परिवार की पूरी मिसाल दी जाती थी हरियाणा में, आज आपने पारिवारिक रिश्ते खत्म करने की बात की है, तो कितना भावुक है इस मौके पर? इसमें तो मैंने तो बहुत थोड़ी बात कही है। जो काम उन्होंने किया है, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से जाकर के पूछ लो कि जो कल हुआ था आपकी उसके ऊपर क्या टिप्पणी है।
अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का अगर ये कह देगा कि यह सब ठीक हुआ तो फिर मैं इस राजनीति से अपने आप को दूर कर लूंगा। किसी कंप्लेनेंट का आइडेंटिटी रिवील हुई है जी? कोई नाम बताया गया है, कुछ बताया गया? कोई कंप्लेनेंट था ही नहीं। डेट ही अलग है, 19 तारीख को होम मिनिस्टर की तरफ से चिट्ठी पे साइन करके, आपको चिट्ठी दिखाई मैंने, साइन करके भेजी गई है, और 21 तारीख को कंप्लेंट ली गई है। तो कंप्लेंट कहाँ है? जब 21-19 को ऑर्डर ही कर रखे हैं आपने, फिर 21 तारीख की कंप्लेंट लेने का क्या मतलब है? कंप्लेंट तो स्वयं बनाई गई है, जिस पे किसी कंप्लेनेंट का नाम नहीं है, किसकी तरफ से कंप्लेंट की गई है, कौन व्यक्ति है, ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा इन दोनों पार्टियों के लोगों ने मिलकर के किया है। एक साजिश है बड़ी, मैं इसकी डिमांड करूँगा, होम मिनिस्टर से कहूँगा कि सारे की जांच होनी चाहिए हर हाल। कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे सर? कोर्ट में तो आज कल में ही जा रहे हैं कोर्ट में। सर, जिस प्रकार से कल चौटाला साहब का जो वीडियो आया है, उससे पहले वो सदा ही बड़े मजबूत दिखाई देते थे, लेकिन कल वो काफी आहत से नजर आए। वो हमेशा मजबूत थे, आज भी उतने ही मजबूत है। उन्होंने जो बात कल कही है वो मजबूत आदमी कह सकता है, कमजोर आदमी नहीं कह सकता। सर, आपने कहा था एक बार कि मेरा जो खाना जो है सिरसा में हमेशा नैना चौटाला जी के घर से आता है, क्या आगे वो सिलसिला खत्म हो जाएगा? मैंने स्पष्ट कह दिया, मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। आप पहली बार ये कह रहे हैं जी मैं बोला हूँ उन लोगों के खिलाफ जो चीज़ कही गई आज, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ जो जो बातें हैं मैं बताता हूँ कि वो षड्यंत्र उन्होंने रचा, आपको जो वर्ड कहे गए, आपको चाहे मिसेज चौटाला ने कहा या फिर अजय सिंह जी ने जो आपके लिए वर्ड कहे, उनके ऊपर कुछ आप टिप्पणी करना? मैंने उन्होंने जो कुछ कहना था कह लिया, मैंने फिर भी बर्दाश्त करी। लेकिन अगर कोई मेरे बाप और माँ के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचेगा तो फिर 100% मैं उन लोगों से अपना रिश्ता रख ही नहीं सकता। यानी कि अब अजय सिंह चौटाला शांत नहीं रहेंगे? मैं सदा ही शांत स्वभाव का था और मेरी इस शांत स्वभाव का ही नजायज फायदा इन लोगों ने उठाया। इन लोगों ने मुझे जगह जगह बदनाम किया, ये कहा कि मैं कार्यकर्ताओं को कहीं बेइज्जत करने का काम करता हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि इसने तो कार्यकर्ताओं को अपने नजदीक नहीं फटकने दिया। अगर मैं इतना ही गुस्सेल और लड़ाका होता तो ये 35 साल मेरे साथ रहे कैसे? ये कभी के उस घर से निकल जाते। ये लोग शुरू दिन से ही इस किस्म के थे। ये तो मैं था जो इनको लगातार बर्दाश्त करता था, ये तो एक दिन बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं थे। अगर मैं इनके डोल का हो जाता तो ये कभी के घर से बाहर हो जाते। ये कह रहे जी कि सर, कहा जाता है कि जब दुष्यंत को सीएम संसद पद के लिए वहां उतारा गया था, उस समय भी चौटाला साहब नहीं चाहते थे, एक आप ही थे जो चाहते थे कि हाँ ये चुनाव लड़े। इन दोनों को ही नहीं उतारना चाहते। इन दोनों की टिकट जो है मैंने चौटाला साहब से कह करके करवाई। हमारे घर की किसी भी महिला ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा था, और ना ही कोई महिला हमारे घर की जो है घर की दहलीज से बाहर गई। लेकिन मैंने चौटाला साहब से कह करके कि अजय सिंह को हमने इस सीट से जिताया और अजय सिंह को कल को उनकी कमी को यहाँ लोगों को महसूस ना हो, इसलिए भाभी को टिकट दिया जाए, इसको लड़ाया जाए। पिछला चुनाव तो जीत गई क्योंकि हम लोग साथ थे और हमने इलेक्शन संभाला। अगले इलेक्शन में जमानत भी नहीं बचेगी। अजय सिंह जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, राजनीति जो है वो परिवार पर बड़ी हो गई, क्योंकि जो आज दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला जो है, दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला आज जिस हालात में है, चौधरी देवीलाल के नाम से है, उनके परिवार के नाम से है, लेकिन इसके बावजूद एक चुनाव ने उनको पीछे से चौटाला हटा ले, लोग कल ही इनकी इनकी औकात दिखा दे। वही कह रहे जी, पॉलिटिकल जब विजन अलग हो गया, पार्टी अलग हुई, फिर हमें द्रोही क्यों कहा जा रहा है जब सारे रास्ते ही अलग कर दिए गए हैं? जो षड्यंत्र रचा है तुम्हारे सारा सामने है। इन्होंने तो देशद्रोहियों से भी ज्यादा बड़ा जुर्म किया है, औरंगजेब से भी ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं ये।